नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का ढोकला, बिल्कुल बाजार स्टाइल में और बनकर बहुत जल्दी और झटपट सुबह का नाश्ता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे बूढ़े बड़ों सबको पसंद है ये नाश्ता। ढोकला बहुत स्पंजी, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दही। दही को एक एक आधा आधा डेढ़ डेढ़ कप डेढ़ कप मैंने दही लिया है। इसको मैं फेर देती हूँ। 1 से 2 कप मैंने दही लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, जो मैंने बेसन लिया है। अब अच्छी तरह से इसको अभी हम फेंट लेते हैं। इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 टीस्पून। 1/4 आधा आधा चम्मच नमक लिया है। अब इसमें मैं आधा आधा कप इसमें पानी डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेते हैं। अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे जिससे इसकी गुठलियाँ ना रहें। बैटर को पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है बैटर को। तो और जो मेरे पास बेसन पड़ी थी वो भी इसमें हम डाल देते हैं। पूरा 1 कटोरा इसमें बेसन लग चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ईनो। तो ईनो में ले रही हूँ 1/2 टीस्पून इसमें ईनो ले एंड हाफ टीस्पून मैंने इसमें ईनो डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको फेंट लेती हूँ। देखिए इसमें बबल छोड़ने लगा है। अब ये हमारा पेस्ट बैटर तैयार हो गया है। तो ये मैंने पतीला ले लिया है। अब इसमें मैं 2 गिलास के लगभग पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैंने बैटर को एक बॉल में डाल दिया है। नॉर्मल मैंने स्टील का बॉल लिया है। थोड़ा सा मैंने तेल इसमें ग्रीस कर दिया था और थोड़ी सी मैं इसे थिकनेस इस तरीके से हम कर देते हैं जिससे इसका एयर निकल जाएगा। पतीला के अंदर इसको डाल दिया है। अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं और स्टीम होने देते हैं ढोकला को। मैं लो फ्लेम पे ही रखूंगी गैस को। करते हैं कि हमारा ढोकला फूला है या नहीं। तो ढक्कन हटाते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया ढोकला फूलकर तैयार हुआ है। तो मैं एक चाकू के सहारे मैं इसको या तो फोक के सहारे मैं इसको चेक करती हूँ। थोड़ा और फूलेगा। इसको हम ढक देते हैं और स्टीम होने देते हैं। पूरे पाँच मिनट हो जाने देते हैं। मैंने एक पतीला लिया है, तब तक हम इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें 1/2 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इसमें तेल की कोई वो नहीं है कि ज़्यादा तेल में बनेगा बहुत। जिसको फैट कम करना है, जिसको तेल ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी ढोकला बनाकर इस तरीके से खा सकता है। अब इसमें हम डालेंगे राई। ये 1/2 चम्मच मैंने राई ले लिया है। राई इसमें चटकने लगी है, इसमें हम डालते हैं कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च,
डालेंगे पानी। पानी मैंने एक कप पानी लिया है, इसे मैंने पानी डाल दिया। एक नींबू मैंने निचोड़ लिया था, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी। अब इसको डालकर अच्छे तरीके से हम चला देते हैं और इसको हम एक से दो मिनट तक इसको पक जाने देते हैं। ढोकला हमारा अच्छे से अच्छा तरीके से फूला है या नहीं, पक्का भी है या नहीं, तो हम एक फक के सहारे देखिए अच्छी तरीके से ये पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब अच्छी तरीके से ये ढोकला ठंडा हो चुका है। अब हम इसको साइड साइड से इस तरीके से चाकू के सहारे हम इस तरीके से हम देखिए छूट रहा है। कोई पेपर, कोई बटर पेपर कुछ भी नहीं लगाया है और अच्छी तरीके से ये अपने आप फूल कर भी तैयार हो गया और छोड़ भी रहा है। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट लिया है। अब प्लेट से इसको ढकते हैं। कितना सुंदर और कितना बढ़िया ये फूलकर तैयार हुआ है। अब हम इस तरीके हाथ से उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको सीधा कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना स्पंजी ढोकला बनकर तैयार है। तो हम इसको कट कर देते हैं, जिससे अच्छी तरह से इसके अंदर हम जो बनाए हैं इसका चाशनी वो डालेंगे इसमें। यह है तड़का बोलिए या चाशनी बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं। आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया फूल कर ये तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम जो तड़का बनाया वो डालेंगे। तो जो मैंने तड़का बनाया है वो इसके ऊपर हम बैटर के ऊपर हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और कितना। देखिए कितना फ्लफी और कितना सुंदर देखने में ढोकला बनकर ये तैयार हुआ है। बिल्कुल बाजार जैसे लग रहा है, स्पंजी भी लग रहा है। तो एक बार हम और इसको हम सेक देते हैं, जिससे अच्छी तरीके से ये कट जाएगा। अब हम एक आपको निकाल के दिखा रही हूँ। कितना बढ़िया और कितना सुंदर और कितना स्पंजी बनकर ढोकला तैयार है। ये देखिए दबाने से भी कितना अच्छा अंदर स्पंजी और बहुत स्पाइसी बनकर ये तैयार हुआ है। तो चलिए अब तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना स्पंजी ढोकला बनकर तैयार है। तो आप ब्रेकफास्ट में ढोकला खाइए, चाय के साथ भी ले सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी इसको ले सकते हैं, कोई आ जाए गेस्ट उनको भी आप सब कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर ये हमारा ढोकला तैयार हुआ है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पक्का दबाइए। जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पक्का आएगा। तो आप बनाइए और कमेंट में हमें लिख के बताइए डिस्क्रिप्शन में कि कैसा बना है आपका ढोकला। नमस्कार।